मैंने तेरा नाम नशा रखा, वो जब जब बोले मुझे लगता है जैसे कोई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और फिर से हम लोग आज नहा धो कर रेडी होकर के आ गए हैं बाहर कुछ घूमने के लिए इधर। और तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इधर है मेरे हस्बैंड, हाई कीजिए। तो अभी हम लोग आ गए इधर घूमने के लिए, देख सकते हैं आप लोग कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग ऐसी जगह पर लाए हैं जो आप लोग को देख के मन भी खुश हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का खेती, धान की खेती। चलिए क्योंकि धान जो है अभी पक चुका है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आ रहे चलो, तो यहाँ एक आ गया है चलो। कितना ही सुंदर लगा जब धान हो जाता है, जब किसान का मेहनत रंग लाता है तो इतना ही खूबसूरत लगता है। वहां तक ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक पूरा धान ही धान नजर आ रहा है। और कुछ ही मतलब सब कोई फ्री होंगे क्योंकि पूजा पाठ अभी चल रहा था। देखिए दिवाली थी, छठ थी, तो अभी सब कोई फ्री हो जाएंगे। उसके बाद तो ये मतलब काटने के कगार पर आ ही गया है। देखिए पूरा ये अगर जल्दी नहीं कटेगा तो ये सूख जाएगा, यानी कि गिर भी सकता है और इसका जो अनाज है वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जिसका होगा वो बहुत जल्दी उसी काम में फंसे होंगे, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। और ये हम लोग का खेत नहीं है, आप लोग को दिखा देते हैं। हमारे यहाँ का जो एरिया का जो धान है वो पक चुका है और बहुत जल्दी इसकी कटाई होने वाली है। तो इसको हम बर्बाद ना करते हुए किनारे से निकल जाएंगे। ये देखिए अभी हम लोग को मिलेगा चावल। और अभी हम पहन लिए हैं स्वेटर, देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा था रूम में, तो इसलिए हम लोग पहन के भी आ गए। और देखिए यहाँ सामने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यहाँ का नदी, और ये हम लोग घर के बिल्कुल पास में ही है। तो जब भी हम लोग को फुर्सत का टाइम मिलता है तो हम लोग यहाँ नदी में आ जाते हैं घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर। और ये वाला खेती जो अगर जैसे बारिश नहीं भी होता है तो लोग यहाँ से पाइप जोड़ कर यहाँ सिंचाई करके ये खेत को आराम से लगा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नदी में। और बाबू नहीं आया, हाँ थोड़ा सा दिखा देंगे। तो चलिए आप लोग के चलिए चलते हैं नदी, जो बहुत ही खूबसूरत नदी है। और अभी वो आ रहे हैं, आ जाइए, आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को हम स्पेशली नदी दिखाने के लिए ही लाए हैं, क्योंकि हम लोग को जब भी मतलब मन करता है तब भी हम लोग इधर आ जाते हैं, मन भी फ्रेश लगता है। और इतने इससे अच्छा खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। और ये नदी जो है बहुत ही साफ़ सुथरा है। और आप लोग को पिछले वीडियो में जो लोग मेरा छठ वाला ब्लॉग देखे होंगे, छठ वाला ब्लॉग शूट जो हम किए थे वो यही नदी में हम लोग किए हुए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा। और उसका नेक्स्ट वाला जो छठ अर्घ वाला जो है शाम का, सॉरी सुबह का भी ब्लॉग हम यहीं से दिए हुए थे। ये देखिए यही वाला वो घाट है। यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत संख्या में लोग आते हैं और यहाँ छठ पूजा करते हैं। देखिए कितना ही सुंदर यहाँ का नदी है और वहाँ सभी को लोग नहा रहे हैं अच्छे से। और चलिए आपको पानी छुआ देखते हैं। अरे बहुत ही सुंदर नदी है और ये नदी का नाम है भैरवी नदी। देखिए बैक कैमरा से, वाह, मैंने फर्स्ट ब्लॉग यहीं से शूट किया था। ये देखिए बहुत ही साफ सुथरा है उधर कुछ। और ये देखिए बाबू और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नदी में। और उधर बाबू भी आ रहा है। तुम नहीं सकेगा बेटा, मत आओ। और कितना शांति से पानी बह रहा है। पानी हल्ला करके बह आराम से, काय है बच्चा, हाय। और देखिए ये पानी से सिंचाई होती है, ऊपर में देख सकते हैं उधर खेती होती है और बहुत ही अधिक मात्रा में खेती होती है।
आप लोग देख सकते हैं हम कपड़ा उठा लिए हैं, इसलिए डोंट माइंड भीग ना जाएंगे। और ठंड का मौसम है तो पानी थोड़ा सा ठंडा भी है। फोटो को यहाँ गिरा दिया है, चलो फोटो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा नदी गंदा हुआ है क्योंकि सब कोई घाट में अगर सब दिया हुआ सब फेंक दिया। और उधर ऊपर आप देख रहे हैं ना उस ये नदी का पीछे वहाँ होती है खेती और यही पानी से सिंचाई किया जाता है और बहुत ही फ्रेश पानी है और यहीं का सब्जी हम लोग खाते हैं ना और बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब गंदा पानी से उपजाऊ नहीं होता है। और उधर देखिए गहरा है पानी है। इस तरह कौन कौन किया है रुकिए तो हम बताते हैं। बचपन में उसका तो चपटा पत्थर था ना ऐसे करके बाबू क्या कर रहा है और दूसरा लोग कौन कौन इस तरह किए हैं कमेंट करके बताइएगा। छलका के छलका के छलका वाओ देखे पांच बार छलका 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 छलका। और आपको पानी में तैरने आता है? लेकिन लेकिन ना हमको तैरने आता है बाबू भी खा जाए मम्मी। हां देखिए बाबू का वाह अरे वाह 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 चलो हमको तैरने नहीं आता है फ्रेंड्स फिर भी हम कोशिश एक दिन करेंगे। फ्रेंड बहुत एंजॉय हम लोग कर लिए और इधर देखिए बाबू को गोदी ले लिए हैं, बाबू भी बहुत एंजॉय किया। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग छोटा सा, अगर यदि अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने में हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं, तो कल फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग नए जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।